पवन भैया के लिए तो जान आज ही रहे देखता। अरे पवन भैया कहेंगे जान नहीं देंगे तो फैन होने का फायदा क्या? वाह देखना यहाँ से भाई फिल्मी स्टार ही है तो फिल्मी स्टार के क्या बोल सकता। फिल्मी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आप लोग कितना उनको सपोर्ट करेंगे? हर से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हर से ज्यादा। यस जहाँ वो आएंगे वहाँ जाएंगे उनके सभा में, तब का हम ना कभी हटे हैं ना कभी हटेंगे कभी। मोदी जी हैं जी, देश के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका समर्थन किया जाए। मोदी पवन सिंह तो सुपर स्टार है, ये देश ही नहीं विदेश में भी लोग जानते हैं जी। उनको आने से कोई पहचान नया बनाना नहीं है जी। उनकी पहचान बनी हुई है। यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, उनको आने से किस तरह का माहौल बनेगा काराकाट क्षेत्र में? अभी तो नॉमिनेशन होने दीजिए, उसके बाद एक माहौल बनेगा। पवन सिंह तो सुपर स्टार है, ये देश ही नहीं विदेश में भी लोग जानते हैं जी। उनको आने से कोई पहचान नया बनाना नहीं है जी। उनकी पहचान बनी हुई है। और ये सीट समझ लीजिए कि जैसे जगजीवन राम बाबू की हॉट सीट मानी जाती थी सासाराम, उसी काराकाट की भी सीट पवन सिंह के आने से हॉट सीट हो जाएगी, देश में नहीं विदेश तक में भी। चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे जर्मनी हो, जापान, अमेरिका, किसी देश में भी लोग काराकाट का नाम जान जाएंगे। लेकिन पवन सिंह आ रहे हैं तो पवन सिंह कोई मामूली नहीं। जैसे हिंदी जगत के सुपर स्टार शाहरुख खान आज के डेट में है, ओसी भोजपुरी के सीने स्टार पवन सिंह है। लेकिन अभी आने दीजिए, अभी आए तो नहीं है, नॉमिनेशन होने दीजिए, उसके बाद में पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो रहा है कि राजा राम सिंह बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं कि पवन सिंह बढ़ रहे हैं। अभी नॉमिनेशन होने के बाद सारा समीकरण आमने सामने हो जाएगा, अभी समीकरण वैसा नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि कोई हम लोगों के काराकाट से ऐसा कोई उम्मीदवार आए जो संसद में अपनी आवाज़ रखे। ऐसा नहीं, कौन संसद में नहीं रहता है, रेल मंत्री रहता है, इस्पात मंत्री रहता है, कोयला मंत्री रहता है, रक्षा मंत्री रहता है, कौन मंत्री रहता है। जिस मंत्री के पास हमारा संसद चाहे 5 मिनट का टाइम देगा तो सारे मंत्रियों को चाहेगा, चाहे किसी दल का भी हो। ये नहीं है कि सत्ता ही दूर दल है, अब कोई भी मंत्री बने देश का बनता है उसका हमारा काराकाट का संसद चाहेगा 5-5 मिनट सभी को चाहेगा कि टाइम दें और बोलेगा कि काराकाट में ये रेल का कारखाना लाइए, इस्पात का कारखाना लाइए, कोयला डिपो लाइए, फलाना लाइए, यूनिवर्सिटी लाइए। काहे नहीं लाएगा ये अपनी बात अगर बढ़िया से, अगर हमारा संसद कोई तरह का किसी पार्टी का हो, ये नहीं बोल रहे हैं राजा राम सिंह भी जीत के जाएं, पवन सिंह भी जीत के जाएं, और या उपेंद्र कुशवाहा जाएं, कोई भी जाएं, या गांधी जी की पत्नी प्रियंका चौधरी हैं जो आने वाली हैं, अभी अभी आई नहीं है नॉमिनेशन की ओर, कोई भी जीत के जाए हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाए। हम लोग यही चाहते हैं और हमारी जो बेरोजगारी हमारे जो क्षेत्र में बढ़ी हुई है इसको कैसे दूर हो, इस पर विचार विमर्श करके अच्छे से मैंने काराकाट का नाम रोशन करे। और पवन सिंह आने से ये समझ लीजिए कि हॉट सीट हो गई, ये देश नहीं विदेश में भी इसकी पहचान बनेगी। मॉरिशस में लोग देखेंगे कि पवन सिंह आ गया काराकाट में, इंग्लैंड में भी देखेंगे, अमेरिका में भी पता करेंगे कि अरे कौन का पवन सिंह आया जो काराकाट से गया लड़ने के लिए। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा, हाँ, अगर ये देखने जोग होगा, हाँ देखने जोग होगा। और इनके आने से हमको लगता है कि कुछ मुकाबला जो है वो बहुत ही अच्छा बनने जा रहा है। लेकिन नॉमिनेशन होने दीजिए, ये नॉमिनेशन जब हो जाएगा तब समीकरण साफ हो जाएगा, अभी समीकरण साफ नहीं है जी। कहे ना, अरे पवन भैया कहेंगे जान नहीं देंगे तो फैन होने का फायदा क्या? वाह देखिए दूसरा बच्चा इनसे बात करें, क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। यहाँ से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आप लोग कितना उनको सपोर्ट करेंगे? हर से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हर से ज्यादा। यस जहाँ वो आएंगे वहाँ जाएंगे उनके सभा में, तब का हम ना कभी हटे हैं ना कभी हटेंगे, कभी हटे नहीं और हटेंगे भी नहीं। इतना बड़ा फैन उनको पवन सिंह का। यस देख सकते हैं पवन सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस तरह से उन्होंने जब से उन्होंने ट्वीट किया है कि हम काराकाट लोकसभा चुने, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रहा है बिहार से कि यहां से काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं? वो आएंगे तो कितना यहां से भाई फिल्मी स्टार ही है तो फिल्मी स्टार के क्या बोल सकता। फिल्मी स्टार कहना चाहेंगे चाचा, काराकाट जो लोकसभा सीट है यहाँ से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितना ये माने जो हम लोग का जो काराकाट क्षेत्र है उनको आने से प्रभावित होंगे यहाँ की जनता, कितना? देखिए लोगों का अपना अपना मत है जी, है ना, अब चुनाव नजदीक है, सब लोग अपना भाग आजमाना चाहते हैं जी, हैं। और इस परिदृश्य में लोग क्या सोचते हैं तो लोगों से आप बात कीजिए, लेकिन मेरा अपना मानना है जी कि जो मोदी जी हैं जी,
देश के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका समर्थन किया जाए। 39 गो सीट बिहार ने दिया था मोदी जी को पक्ष में जी, और नीतीश मोदी जी का गर्ज है नीतीश से गठबंधन करने का ना, आखिर जनता की गर्ज है, वो अपने गर्ज के लिए नीतीश जी से गठबंधन करते हैं, जो कि बार बार भागता इधर उधर है जी। भागने से आपको माने नफरत है? हाँ, नफरत है। दूसरी बात यह है कि 39 सीट दिया उन्होंने, गुजरात के बारे में बार बार फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश काशी के बारे में बात करते हैं, और बिहार के बारे में कभी प्लांट के बारे में बात किए हैं? हमारे बिहार में प्लांट लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ से बेरोजगारी मेरा दूर होगा? बेरोजगारी, इन्होंने बेरोजगारी पर बहुत बड़ा मुद्दा किया कि बिहार, हमारा बिहार में डालमिया नगर प्लांट, हम लोग जिस धरती से पैदा लेते हैं, यहाँ 5 को प्लांट है जी। एक बालू प्लांट है, एक हमारा खेती प्लांट है, एक पहाड़ प्लांट है, एक डालमिया नगर प्लांट है, जो कि बालू को बार बार बंद किया जाता है मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से, नीतीश कुमार के माध्यम से, और यहाँ हमारे यहाँ पैदा होता है बालू, जो कि 4000 का टाली हमने खरीदते हैं बालू यहाँ पर जी। हमारा घर में बालू पैदा होता है और हम सरकार के चलते हमने 4000 का टाली खरीदते हैं। और बात है, हमारा डालमिया नगर बंद होने से हम लोग को बहुत बड़ा क्षति है और आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। सभी नेता को तो इस पर ध्यान देना चाहिए, बिहार से भी चाहे जी। तो हम इसलिए पवन सिंह आ रहे हैं, हम लोग पवन सिंह के साथ। मैं मौजूद हूं बिहार के रोहतास जिला के नासीगंज प्रखंड के ग्राम मौना में, और देख सकते हैं ग्राम मौना की सब्जी मार्केट है। एक बार तस्वीर दिखाइए, तमाम लोग यहां ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बाजार करने के लिए, एक बार पूरा तस्वीर दिखाइए। लेकिन हम आज बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट का, जो कि बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रहा है बिहार से कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह, जो गायक है सिंगर है पवन सिंह, यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनको आने से क्या इस बार के जो काराकाट लोकसभा सीट है कितना हॉट होगा, कितना जोश से भरा रहेगा, क्योंकि वो एक नाम है, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, आज उनको पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता।